ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सदी ईस्वी में होने वाली सलेबी जंगें इंसानी तारीख का एक गैर मामूली बाब हैं। तकरीबन 250 साल तक जारी रहने वाले इस लर्जा खेज तसादम में हकीकी मैनों में पूरी दुनिया एक आलमी जंग का शिकार थी। ये तहजीबों का टकराव होने के साथ साथ मजाहब का भी तसादम था। मुसलमान और ईसाई कौमें बहम दस्तों गिरेबान थीं। ये इतनी खून रेज जंगें थीं कि इससे पहले इंसानियत ने कभी भी इतना कश्तो खून और तबाही और बर्बादी नहीं देखी थी। उम्मत मुसलमा और तमाम ईसाई दुनिया के इस टकराव के नतीजे में पूरी इंसानी तारीख पर गहरे असरात मुरतब हुए कि जिनका असर आज की जदीद दुनिया में भी देखा जा सकता है। तारीख में सलेबी जंगों को जुनूनी जंगों के नाम से भी याद किया जाता है, और वो इसलिए कि ये जंगें बर्पा करने के लिए ईसाई दुनिया ने मजहबी जुनून को इस्तेमाल किया था। इन जंगों को सलेबी जंग कहने की वजह भी यही है कि इनको शुरू करने वाले ईसाई ही थे जो सलेब के नाम पर जज्बात को भड़का कर ईसाई दुनिया को मुसलमान ममालक पर हमले के लिए उमादा कर रहे थे। मगरब की तरफ से जो इतिहाद सलेबी जंगों के लिए बना उसका एक फरीक बाज़ंटीनी सल्तनत भी थी। बाज़ंटीनी सल्तनत पिछले कई सौ सालों से मुसलमानों से बुरी तरह मार खाती आ रही थी, और अब ये बात वाज़े हो चुकी थी कि ये तनहा मुसलमानों का मुकाबला करने की सक्कत नहीं रखती है। सल्जूकी सुल्तान अलप अरसलान ने 1071 ईस्वी में मंजकट की जंग में बाज़ंटीनी सल्तनत को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी, जिसके नतीजे में बाज़ंटीनी हुक्मरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, वो ईसाइयों के लिए इंतहाई जिल्लत अमेज़ थी। बाज़ंटीनी ये खौफ महसूस कर रहे थे कि मुसलमान कोनिया के शहर को अपना मरकज़ बनाने के बाद अब कुस्तुनतुनिया की जानब आगे बढ़ेंगे। अगर मुसलमान कुस्तुनतुनिया भी फतह कर लेते तो ये बाज़ंटीनी सल्तनत की हतमी मौत होती। इसी खौफ के तहत बाज़ंटीनियों ने पूरी ईसाई दुनिया में ये वावेला करना शुरू कर दिया कि बाज़ंटीनी सल्तनत और ईसाई दुनिया को मुसलमानों से ख़तरा लाहक है, और इसके लिए ईसाई दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए मुतहिद होना होगा। इनका मकसद ये था कि बाकी ईसाई दुनिया से मदद लेकर मुसलमानों को अपने मशरकी इलाकों से जहां पर सल्जूकियों ने कब्ज़ा कर लिया था इनसे निकाल बाहर किया जाए और अपनी मशरकी सरहदों को महफूज बना लिया जाए। इस जंग से बाज़ंटीनी हुक्मरानों का यही मकसद वाबस्ता था, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाज़ा भी ना था कि सिर्फ ईसाई दुनिया की मशरकी सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली ये जंग आने वाले 250 सालों पर मुहित हो जाएगी, और इसके नतीजे में लगभग 1.5 करोड़ इंसान मुतासर होंगे और आने वाली सदियों तक इसके असरात मुरतब होते रहेंगे। मशरकी यूरोप और कुस्तुनतुनिया में इस जंग के शुरू होने से कबल ही मगरबी यूरोप में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तसादम जारी था। स्पेन पहले ही 300 साल से मुसलमानों के कब्ज़े में था, और मगरबी यूरोप में यूसुफ बिन ताशफीन ने जंग जुलाका में ईसाइयों को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी इसके नतीजे में दोबारा स्पेन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया और मुसलमानों की हकूमत एक मरतबा फिर मुस्तहकम हो गई। यूसुफ बिन ताशफीन के हाथों ईसाई शिकस्त खाने के बाद आतशे इंतकाम में जुलस रहे थे। रोम में मौजूद पोप और मगरबी यूरोप के ममालक मसलन जर्मनी, फ्रांस और इंग्लिस्तान के ईसाइयों को भी इसी बात का कलक था कि वो मुसलमानों को स्पेन से निकालते निकालते रह गए थे, और यूसुफ बिन ताशफीन की दखल अंदाजी की वजह से इनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका था। बाज़ंटीनी हुक्मरानों ने जब ये देखा कि पोप और मगरबी यूरोप के ईसाइयों को भी मुसलमानों पर शदीद गुस्सा है तो उन्होंने इनकी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि आप कुस्तुनतुनिया आएं ताकि यहां से सल्जूक मुसलमानों के इलाकों में दाखिल हुआ जाए। बाज़ंटीनी हुक्मरानों को इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी कि स्पेन से मुसलमानों को निकाला जाता है या नहीं, उनकी दिलचस्पी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सल्तनत की हिफाजत तक महदूद थी। यही वजह थी कि उन्होंने इन तमाम हुक्मरानों को जो मुसलमानों से जंग में दिलचस्पी रखते थे कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी,
और कहा कि हम आपको एशियाई कूचक में दाखिल होने के लिए कुस्तुनतुनिया से रास्ता देंगे। मौजूदा तुर्की के तमाम एशियाई इलाके जो अबनाए बास्फोरस के मशरक में वाक़ हैं, इस वक्त तक मुसलमान सलजूक सल्तनत के कब्ज़े में आ चुके थे और कोनिया का मशहूर शहर इस मजबूत सलजूक सल्तनत का दारुल हकूमत बन चुका था। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि मुसलमानों के तमाम मुकद्दस मकामात यानी मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुकद्दस शरीफ मशर के वुस्ता में ही वाक़ हैं। यही वजह थी कि मुसलमानों को कभी यूरोप की जानब सफ़र करने की ज़रूरत ही पेश न आई। अलावा अजीं यूरोप इस वक्त तारीख दौर में से गुजर रहा था और वहाँ जो भी तरक्की और तालीम की तरफ कदम उठाता इसे जादूगर कहकर जिंदा जला दिया जाता। फ्रांस और इंग्लिस्तान की गलियों में कीचड़ और गलाजत की वजह से चला ना जा सकता था। ताऊन जैसी बीमारियां आम थीं और हकीकी मैनों में वो वहशियों और दरिंदों की मानत जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल में वहाँ मुसलमानों के ना तो कोई तजारती मफादात थे और ना ही कोई मजहबी मकासद थे, लिहाजा मुसलमान सियाहत या तजारत के लिए यूरोप जाने में कतन दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके बरक्स यूरोप के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, मसलन स्पेन, वहाँ एक शानदार तहजीब कायम थी। गरनाता और कुर्तबा पूरी दुनिया के लिए इल्मी, तजारती और तहजीबी मराकज थे। नतीजतन तमाम यूरोपी लोग मुसलमानों के मफतूहा इलाकों में आकर आबाद होना और इल्म हासिल करना पसंद करते थे। कुस्तुनतुनिया वो ईसाई इलाका था जिसे मुसलमान अभी तक फतह नहीं कर पाए थे। ऐसी सूरत हाल में बकिया यूरोप में मुसलमानों के सफ़र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी जानब ईसाइयों के तमाम मजहबी और मुकद्दस मकामात मुसलमानों के इलाकों में थे। बैतुल मुकद्दस शरीफ ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस जगह है क्योंकि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हकूमत में मुसलमानों ने पहली मरतबा बैतुल मुकद्दस शरीफ को फतह किया था। तब से लेकर 1097 ईस्वी तक ये मुसलमानों ही के कब्ज़े में रहा। स्पेन या इंदलस में शिकस्त के बाद ईसाइयों में आतश इंतकाम भड़क रही थी और साथ ही ये हसरत भी सीनों में सुलग रही थी कि बैतुल मुकद्दस शरीफ को मुसलमानों के कब्ज़े से वापस लिया जाए। पोप अर्बन दोम ने अपने पादरियों और राहबरों को पूरे यूरोप में फैला दिया और ये झूठा प्रोपोगंडा किया कि बैतुल मुकद्दस में ईसाइयों के साथ बहुत जुल्म रवा रखा जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से लेकर सलेबी जंगों के आगाज़ तक बैतुल मुकद्दस शरीफ में किसी भी ईसाई को ना तो कत्ल किया गया और ना ही किसी पर जुल्म किया गया। ईसाई और यहूदी कई सौ बरस तक मुसलमानों के जेरे साया इतने अमन व सुकून से रहे कि कहीं भी मजहबी तअस्सुब की एक मिसाल भी नहीं मिलती। इन बरसों में मुसलमानों ने ईसाइयों के साथ रवादारी की वो आला मसाल कायम की जिसे आज भी दुनिया याद रखती है। पीटर नाम के एक राहबर ने यूरोप में जगह जगह ऐसी तकारीर की जिनमें मजहबी तअस्सुब, जुनून और लोगों को भड़काने के लिए तमाम असबाब मौजूद थे। यूं पूरे यूरोप में मजहबी जुनून की आग भड़का दी गई। यूरोप की फौजें तो बाद में निकलीं, इनसे पहले ही आम यूरोपी ईसाई इस राहबर के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गए। इनका मकसद मुसलमानों के साथ जंग करके बैतुल मुकद्दस शरीफ पर दोबारा कब्जा करना था। ये अस्करी एतबार से गैर तरतीब याफ्ता, जज्बाती और नाहत्ते ईसाई सिर्फ इसलिए अपने घर पर छोड़कर राहबर पीटर के साथ चल पड़े थे कि इनके मजहबी जज्बात को भड़का दिया गया था और इनको इस जंग में हिस्सा लेने के नतीजे में जन्नत की बशारत भी दे दी गई थी। यही वजह थी कि लाखों की तादाद में वो सादा लो ईसाई अवाम अपने अंजाम से बेखबर अंधाधुंध इस मुहिम पर रवाना हो गई। जब ईसाइयों की जानब से पहली सलेबी जंग की तैयारी की जा रही थी तो इस वक्त पूरा यूरोप तारीख दौर में से गुजर रहा था। इसमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। पोप ने सलेबियों और नाइट्स को खुली छुट्टी दे दी कि जब तक वो बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाने के लिए जंगें लड़ते रहेंगे तब तक जो भी जुल्मों सितम, तबाही व बर्बादी
और कत्लो गारत गरी मुसलमानों के इलाके में बरपा करेंगे, वो सब माफ़ और जायज़ होगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस पहले सलेबी इतिहाद में तीन फरीक शामिल थे, नंबर एक बाज़ंतीनी सल्तनत, नंबर दो सलेबी नाइट्स जो ज़ाहरन ईसाई मगर हकीकतन यहूदी थे, नंबर तीन पोप और यूरोप के ईसाई बादशाह और दीगर ईसाई। इस वक्त यूरोप के ईसाई बादशाहों के माबैन इक्तदार के हसूल के लिए खून रेज जंगें आम थीं। यही वजह थी कि ईसाई इतिहादियों के आपस में भी शदीद इख्तलाफात थे। इन तमाम मुश्किलात और इख्तलाफ के बावजूद 250 साल तक जारी रहने वाली इन मुहिमात में यूरोप ने 8 मरतबा मुतहिद होकर मुसलमानों पर यलगार की, जिसके नतीजे में खुद यूरोप को बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस तसादम में खुद यूरोप के तमाम अस्करी इक्तसादी और इंसानी वसाइल खर्च हो गए थे और इसके बावजूद इनको इबरतनाक शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। यूरोप के नशीतातुसानिया और इस्लाह दीन का दौर जो स्पेन की फतह के बाद शुरू हुआ था, वो काफ़ी अरसा पहले ही शुरू हो जाता अगर यूरोप अपने तमाम वसाइल सलेबी जंगों में ना झोंक देता। इन जंगों के नतीजे में पूरे यूरोप की माशियत तबाह होकर रह गई और पूरी ईसाई दुनिया यहूदियों की मकरूज हो चुकी थी। सलेबी जंगों के नतीजे में यूरोप ने बहुत सारे फवायद भी हासिल किए। तारीकी में मकीद यूरोप की जाहिल तहजीब में मुसलमानों की आला तहजीब ने जान डाल दी थी। यूरोपी ईसाई मुसलमानों की शानदार तहजीब व तमद्दन इंतज़ामिया तलीम गाहों तलीमी निज़ाम और हस्पतालों से बहुत मुतासर हुए कि जिसने बाद में यूरोप में नशीतातुसानिया के दौर के आगाज़ में कलीदी किरदार अदा किया। 1492 में स्पेन पर कब्ज़े के बाद जब मुसलमानों का अजीम इल्मी विरसा भी ईसाइयों के हाथों में चला गया तो इसके मुताले ने यूरोपी फ़िक्र में वो इनकलाब बरपा किया जिसके असरात आज तक नज़र आते हैं। पहली सलेबी जंग वो पहला मौका था जब यूरोप के बादशाहों और अवाम ने इस्लामी तहजीब को इतने करीब से देखा था। इस दौर में स्पेन से लेकर वस्ती एशिया तक मुसलमान सुपर पावर की हैसियत रखते थे। मुसलमान रियासतें ही तहजीब व तमद्दन का मरकज थीं। तमाम जदीद अलूम मसलन साइंस और टेक्नोलॉजी रियाजी जुग्राफिया और इल्म फलकियात मुसलमानों के मराकज यानी बगदाद दमिश्क और अंदलुस में पढ़ाए जाते थे। यूरोपियों को सलेबी जंगों की बदौलत ही इन जदीद उलूम से वाकफियत हासिल हुई, लेकिन 200 साल की तवील महिम जोई के बाद भी यूरोप के लोग अपना वो हदफ हासिल ना कर सके जो वो चाहते थे। सलेबी सिर्फ लबनान के साहल फलस्तीन और दमिश्क के चंद किलों के अलावा मुसलमानों के मरकजी इलाकों तक ना पहुंच सके, गो के मुसलमान इन जंगों के दौरान अफरा तफरी का शिकार थे। खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर हो चुकी थी, मिस्र में फातमी खिलाफत खिलाफत अब्बासिया के साथ बहम दस्तों गिरेबान थी। स्पेन में मुसलमान जवाल पजीर थे और यूसुफ बिन ताशफीन को जाकर इनको संभाला देना पड़ा था। नतीजतन उम्मत मुसलमा के दिफा की जिम्मेदारी इन सलजूक तुरक और कुरद सलातीन पर आन पड़ी थी जो खिलाफत अब्बासिया के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अपनी छोटी छोटी सल्तनतें बनाए हुए थे। अल्लाह ने इन्हीं की तलवारों से मुसलमानों की हिफाजत भी की और उम्मत मुसलमा की आबरू भी कायम रखी। 200 साल पर मुहित इन सलेबी जंगों में कौम ने ऐसे ऐसे बेहतरीन हीरे पैदा किए और ऐसे ऐसे शानदार जर्नेल और सिपा सालार के दुश्मन भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया, और जो इस सलेबी तूफान के सामने आहनी चट्टान बनकर खड़े हो गए।